परमेश्वर नूं ओ लोक चाहिदे आ जिहड़े परमेश्वर दी आग्या नूं मनदे आ, उहदे अनुसार चलदे आ और परमेश्वर दा कहना मनदे आ। इस करके दाविद राजे नूं, दाविद नूं परमेश्वर ने इसलिए चुना है क्योंकि वह परमेश्वर दा आदर करदा है, परमेश्वर दे मन दे अनुसार चलदा है, उतना ही वो सोचदा हैगा। ओ भैण और भराओ, वचन विच लिखिया वा जदों सैमुएल ने अभिषेक किया सिंह दे विच तेल भर के जदों दाविद दे सिर दे उत्ते पाया गया, उदों परमेश्वर दी आत्मा जड़ी हैगी दाविद दे अंदर आ गई और परमेश्वर और दाविद पवित्र आत्मा दे नाल पार गया हैगा और परमेश्वर उदों तो ही उदे नाल हैगा। ओ भैण और भराओ, जवचन विच ये भी लिखिया वा कि जदों दाविद ते पवित्र आत्मा आ गई हैगी उदों ही शौल नूं भी पवित्र आत्मा जड़ी ही छड़ के चल गई हैगी। ओ भैण और भराओ, भला शौल नूं पवित्र आत्मा क्यों छड़ के चल गई हैगी पता वा? क्योंकि परमेश्वर दी आत्मा जड़ी ही पवित्र हैगी और वो उस जगह ते रहिंदी आ जिहड़े लोग पवित्र हुंदे आ, जिहड़े परमेश्वर दी आग्या नूं मनदे आगे। पर शौल राजा जिहड़ा हैगा उन्हें ही ना ही कभी परमेश्वर दी आग्या नूं मन्या ही और ना ही उहदे अनुसार चलदा हैगा। इस करके परमेश्वर दी आत्मा जिहड़ी ही उहनूं छड्ड के चल गई ही। ओ भैण और भराओ, परमेश्वर ने दूसरे राजे दा इस करके चुनाव किया क्योंकि उन्हें शौल राजे ने अपनी मनमानी की, गलतियां करता रहा पर परमेश्वर के सामने आके कभी भी अपनी गलतियां दी माफ़ी नहीं मंगी, पछताव नहीं किया कि परमेश्वर मैनू माफ़ कर दे। जे परमेश्वर को अपनी गलती दी माफ़ी उन्हें मंगी होंगी तो परमेश्वर वो राज्य नू हमेशा हमेशा वास्ती स्थिर करता, उहदे बाद उहदे न्याणियां नू और राज्य नू दिंदा। पर उन्हें परमेश्वर दी आग्या नू नहीं मन्निया, इस करके परमेश्वर ने उन्हें छड़ दिता, पवित्र आत्मा ने भी उन्हें छड़ दिता क्योंकि पवित्र आत्मा जिहड़ी आ उहदे विच रहिंदी आ जिहड़ी परमेश्वर दी इच्छा दे नाल चलदा वा। ते दाविद दे अंदर पवित्र आत्मा इस करके भर गई हैगी क्योंकि वह अपने आप दे विच परमेश्वर दी महिमा करता है, शुद्ध मन रखता है और परमेश्वर दी इच्छा दे उत्ते चलता है और परमेश्वर दी महिमा ही करता है। इस करके परमेश्वर दी आत्मा हमेशा दाविद दे विच रहिंदी ही और दाविद नूं भी चलाउंदी ही। ओ भैण और भराओ, परमेश्वर दा वचन अज हाजिर नाल गल करन दिया वा, जे अही भी परमेश्वर ने जिहड़ा सानूं कम किया वा जे अही वफादारी दे नाल करदे रहांगे, जे उहदी इच्छा दे नाल अही चलदे रहांगे तां परमेश्वर अपनी आत्मा नूं साडे अंदर भरूगा और साडी अगवाई करूगा कि अही किथे जाणा वा, किथे नहीं जाणा, की करना वा। परमेश्वर सानूं दसूगा, उहदी आत्मा दे नाल हड नाल गल करूगा। जे अही परमेश्वर दी इच्छा नूं नहीं मन्नांगे, परमेश्वर जो कहिंदा वा ओह नहीं करांगे ते परमेश्वर दी आत्मा सानूं भी छड के, कल्लिआं नूं छड के चल जूगी और फिर अही कल्ले ही रह जांगे। ओ भैण और भराओ, अज परमेश्वर सानूं अपनी आत्मा दे नाल, सानूं सारिआं नूं अपनी आत्मा दे नाल परना चाहुंदा वागा। पर परमेश्वर चाहुंदा वा जिहड़ा भी कोई पवित्र आत्मा ना कितरा भरी दवागा, कितरा साडे अंदर पवित्र आत्मा काम करदी आ। दाविद दे अंदर पवित्र आत्मा कितरा ही क्योंकि परमेश्वर दी महिमा करदा है, परमेश्वर दे मन दे अनुसार चलदा है, परमेश्वर दी आज्ञा मानदा हैगा, आज्ञाकारी हैगा परमेश्वर दा। इस करके परमेश्वर दी आत्मा उहदे अंदर हमेशा वाती वास करदी रही। ओ भैण और भराओ, जे अही परमेश्वर दा काम करने आ, जे परमेश्वर दी आज्ञा नहीं मानदे ते परमेश्वर दी आत्मा भी साडे अंदर काम नहीं करूगी। जे चाहुंदे जे तुही कि पवित्र आत्मा साडे अंदर भी काम करे ते बस करना इको एक चीज़ आ जिहड़ी शौल ने कदी भी नहीं ही कीती, आही करना वा। सिर्फ जे कोई गलतियां हो गई वा परमेश्वर दे काम करदे करदे जे सानू परमेश्वर दी आत्मा छड़ के चल गई आ ते परमेश्वर इस वचन दे नाल आना गल करन दिया वा। परमेश्वर आंदा वा अपने गोडियां ते बह के एक कारी मेरे को
अपनी गलतियां दी माफ़ी मंग लो तो मैं तुहानू पवित्र आत्मा दे नाल भर दूंगा। जे तुही परमेश्वर दा कम सच्चाई दे नाल करोगे तो परमेश्वर अपनी आत्मा दे नाल पवित्र आत्मा दे नाल तुहानू भर दूंगा और तुहाडी अगवाई करूंगा। जे तुही परमेश्वर दी आज्ञा नहीं मनोगे, अपनी मनमानी करोगे तो परमेश्वर ने जित शाउल नू छड़ दिता हैगा उतरा ही हानू भी वो छड़ दूगा। और जे परमेश्वर दी आज्ञा नहीं मनांगे तो परमेश्वर उतरा ही किस होर नू लभ लूगे जितना कि